इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो हम लोगों के लिए एक हिस्टोरिक ओकेजन है, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके लीडरशिप पर सर अभी रिसेंटली जो अभी MOU हो गया है आसाम और अरुणाचल का जो बॉर्डर जो सदियों से ही जो चल के आया है, तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का द्वारा से हम लोग ने ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट किया है, वो अभी हम लोग ने सॉल्व कर दिया है। हम अरुणाचल वासी आपके प्रशंसक हैं, आपको दिल और आत्मा से प्यार करते हैं। हमारे अरुणाचल में रेलवे कनेक्टिविटी होना एक सपना को सच में बदलने की बात है। बोगीबिल और धौरा ब्रिज जो असम में बने हैं, हमारे पश्चिम और पूर्वोत्तर के लोग जुड़ने में बहुत आसान हो रहे हैं। त्वंग में शिला टनल और कामेंग में नेचीपू टनल के लिए भी हम अरुणाचलवासी आपके बहुत आभारी हैं। मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व सरकार हमारे प्रमुख सभी जनजातियों को गुजरात दिल्ली यात्रा कराएं, जिसकी वजह से हम गुजरात की अद्भुत दृश्य दर्शन करने के एक सौभाग्य प्राप्त हुए। जरा मुझे बताइए, आप में से पहली बार गुजरात गए वैसे कौन कौन है? अच्छा, सबके सब पहली बार गए। अच्छा अच्छा, आपको मालूम है आपका गुजरात से क्या नाता है? देखिए श्री कृष्ण, अगर अरुणाचल न होता तो अधूरे होते। रुक्मणी की श्री कृष्ण से शादी हुई, तो ये अरुणाचल का सीधा नाता गुजरात से है। और अब हर वर्ष वहां जहां रुक्मणी की जी की शादी हुई थी उस जगह पे हर साल मेला लगता है। बड़ा निकट नाता है, और मैं तो चाहूंगा हर वर्ष आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में वहां जाना चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार है वहां। केवड़िया कैसा लगा आपको, क्या क्या देखा? अच्छा लगा स्टैच्यू? तो मैं तो चाहूंगा जी अरुणाचल के विकास में आप लोगों का सहयोग चाहिए। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे आप जैसे अतिथि घर में आते हैं तो साथ में आशीर्वाद लेके आते हैं, तो आप लोग मेरे घर आए तो मेरे लिए आशीर्वाद आ गए। चले, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, धन्यवाद जी। प्रधानमंत्री को मिलके ऐसे लगा कि हम लोग एक अपना घर में आ गया, उनका एक ऐसे साधारण माहौल में हम लोग को इंटरेक्ट किया, उन्होंने जो हम लोग को बातें की, हम लोग ऐसे महसूस नहीं किया कि हम लोग घर से बहुत दूर है। हम आज गुजरात जाके आए हो उनका, जहाँ में वो मुख्यमंत्री थी मंत्री थे, और उसमें जितना हम लोग का डेवलपमेंट देखा, जो मॉडल देखा, बहुत अच्छा लगा। ये ज़िंदगी भर हम लोग का याद रहेगा। उनका जैसा आदमी जो कार्यरत है हमेशा देश के लिए, तो वो भी हम लोग को एक प्रेरणा मिला। PM सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के बारे में पोटेंशियल के बारे में बात किया है, उनके बारे हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे जितने मौजूद यहाँ पे आया CBO से फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम चाहेंगे कि PM सर के साथ हम डेवलपमेंट में साथ दें। इट हैड बीन वेरी वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट टू इन हिज ओन ऑफिस। इट्स वाज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बाय मीटिंग हिम। ही वाज सो सिंपल, डाउन टू डू अर्थ, एंड ही मेड अस you know feel as if we are really blessed because of him. अरुणाचल में उनके मार्गदर्शन की वजह से हमारे अरुणाचल काफ़ी तीव्र गति से प्रगति हो रहे हैं, और आज उनसे मिलकर ऐसे साधारण इंसान से मिल रहे हैं वो हमें महसूस हो रहे हैं। उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। हमारे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश को गुजरात, जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट इंडिया के, वहाँ हम लोग का मिलन हुआ है। गुजरात में जाकर हम बहुत ही गुजरात मॉडल सीखने को मिला है, और सबसे बड़ी चीज़ हमको जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने को मिला है, वो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली
मानूंगा। हम लोग जो गुजरात भी जाके आए हैं, वहाँ का लोग का रहन सहन, वहाँ का लोग जितना डेवलपमेंट हुआ उनको, वो सब देख के हम लोग भी कुछ सीखा है। और हम चाहते हैं कि जितना वहाँ में हमको जो नॉलेज मिला है, हम अपना प्रदेश में जाके उसको चर्चा करेगा। पहले बार हम लोग ने जो पीएम साहब के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, और गुजरात का जो दौरा हमारा ये एक्सपोजर टूर था, वो बहुत ही बढ़िया। हमारा जो बातें बताया कि हमारा अरुणाचल और गुजरात के जो जोड़ा हुआ है पहले से, सदियों से जो जोड़ा हुआ है, और गुजरात के जो डेवलपमेंट जो उन्होंने किया है, तो उसी को हम लोग ने मतलब जो देखा है, हम लोग ने बहुत अच्छा लगा आज का इंटरेक्शन प्रोग्राम। ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट का मिलन था। हम लोग गुजरात का दौरे करके आया है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को देखा। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का वजह से उनका जनजाति का कैसा फ़ायदा हो रहा है, वही डेवलपमेंट गुजरात मॉडल डेवलपमेंट हमारा कैसे ला सकता है, उसी को हम लोग लेके, ये मैसेज को लेके हम लोग अरुणाचल प्रदेश वापस जाएंगे।